अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे जी। तो व्यूवर्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटू सा व्लॉग। तो आज मैं ईद की शॉपिंग के हवाले से ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आ चुका है और बहुत ज़्यादा मसरूफियत में इजाफा भी हो जाता है साथ साथ, और बहुत ही अच्छा ये मंथ जाता है, बहुत सारी रहमतें और बरकतें समेटने का हमें मौका मिलता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये रमज़ान मुबारक बहुत ही बाबरकत साबित करे, आमीन। और सभी की जितनी भी मुश्किलात हैं उन सभी को दूर करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वेदर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एक्साइटिंग सा जो है वो आज व्यू नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ जो है छोटी सी वीडियो जो है वो शूट कर ली जाए। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सिटी में, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी सी जाम है, तो अब हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो है रात तो हो ही चुकी है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले खाना खा लिया जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो खाने का प्रोग्राम किया और उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम लोग फिर बाद में शॉपिंग करेंगे। तो मौसम बहुत अच्छा था और इस दफ़ा तो रमज़ान का वैसे ही जो है वो बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है, बारिशें हो रही हैं। तो सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद हमने बहुत ही मज़ेदार से मेरी फेवरेट जो है आइसक्रीम इंजॉय की, और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं जी। ये शॉपिंग सेंटर है जी ज्वेलरी, ये मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट है बिकॉज़ यहाँ की कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है। जो भी इनकी सीजनल आउटवेयर्स होती हैं वो बहुत ही आउट क्लास होती हैं, और इस दफ़ा इन्होंने परफ्यूम बैग्स एंड इसके साथ स्लीपर्स भी रखे हुए थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका ये एरिया पसंद आया बिकॉज़ बैग्स मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है इनको ख़रीदना, और ये एरिया मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। इसके बाद हम लोगों ने बाकी जो है वो चीज़ें ख़रीदी जो हमारी ज़रूरत की थी। यहाँ पे जेंट्स जो कपड़े हैं वो भी अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी इनके पास जो है वो वैरायटी होती है, और फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो आपको इजीली यहाँ पे स्टिच और अनस्टिच हर टाइप के जो हैं वो कपड़े मिल जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है आपको शॉपिंग करने में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंट्स भी अवेलेबल हैं हर तरह के, और बाकी भी इनके पास जो लेडीज़ हैं वो भी, इनके पास स्टिच भी हैं, थ्री पीस भी हैं, टू पीस भी हैं, सिंगल शर्ट्स भी हैं, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी इनके पास। एक्चुअली शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सिलेक्शन करने में, तो इसलिए फिर जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना कुछ जो है वो ज्वेलरी और जूते जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएँ ताकि सारा काम ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी सारा कुछ नहीं था कंप्लीट हुआ, कुछ ना कुछ बाकी रह गया था। तो आप देख सकते हैं जो है रिंग्स और जूते और इसके अलावा जो एयर रिंग्स हैं कितने खूबसूरत हैं, कलेक्शन बहुत अच्छी थी हर चीज़ की, और इसमें से जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया वो चीज़ें हमने बाय की। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग वापस चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग वापसी पे घर में जाते हुए जो है प्लान किया अगेन आइसक्रीम खाने का, तो बस फिर वो वेट कर रहे हैं आइसक्रीम आने का जी। तो आज का जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग भी जो है इसी तरह से ईद की शॉपिंग जो है वो पहले ही कर लें ताकि ईजी रहे आपके लिए, और जो भी बाकी चीज़ें बच जाती हैं कि अभी ये रहता है वो रहता है तो उसके लिए फिर जो है एटलीस्ट टाइम तो बच जाता है ना। अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे तो मैं याद रखिए, और हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।